हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। हमारी टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही थी, आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो हमारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं, वो बेस्ड है इफिशिएंसी बेस्ड। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे टाइम एंड वर्क के फर्स्ट क्वेश्चन की, ए इज 50% मोर इफिशियंट देन बी एंड बी एंड सी इज 40% लेस इफिशियंट देन सी। यहाँ पर हमारे को इफिशियंसी के रिस्पेक्ट में क्या है, ए बी सी तीनों की इफिशियंसी को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 डेज। अगर तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कितने टाइम में वो टास्क को कंप्लीट कर देते हैं, 10 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, देन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द 150% ऑफ दैट टास्क। अगर ए अकेला काम करे, ठीक है, और काम हमारा वर्क जितना है उसका 150%, ठीक है, हमारा जो टोटल वर्क था अगर हम बात करें तो वो 100% होता है, पर 100% नहीं, एक तरीके से हम इसे ये भी कह सकते हैं हमारे जो टोटल वर्क का 1.5 गुना, ठीक है, अगर हम इसे समझें तो। अगर हम बात करें तो 150% की वैल्यू कह रहा है कि कितने टाइम में ए अकेला उस वर्क के 150% को कंप्लीट करेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ हमें एफिशिएंसी डिस्क्राइब की गई है, तो हम तीनों की एफिशिएंसी यहां से ले सकते हैं। हमें सबसे पहले बताया गया ए की एफिशिएंसी के उसमें बात करें तो ए की एफिशिएंसी 50% मोर इफिशियंट देन बी। ए क्या है, बी से 50% मोर इफिशियंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, अगर बी की 100 यूनिट है, बी की हमारे इसके अकॉर्डिंग हम ए बी एंड सी तीनों की एफिशिएंसी ले लेते हैं। बी की एफिशिएंसी अगर हमारे पास 100 यूनिट है तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 50% मोर इफिशिएंट, 50% मोर इफिशिएंट यानी 150%। ये बात क्लियर है। इसी अकॉर्डिंग अगर हम सी की एफिशिएंसी की बात करें तो सी की एफिशिएंसी हमारे को डिस्क्राइब की गई है, सी इज ए 40% लेस इफिशिएंट देन बी। सी क्या है, बी से 40% कम इफिशिएंट है, तो जाहिर सी बात है बी की 100% यानी 100 यूनिट ली हमने, तो सी की कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट का 40% लेस यानी 60%, तो कितनी हो जाएगी, 60 यूनिट। ये बात क्लियर है। तो हमारे पास इनकी एफिशिएंसी में रेशो आ गया है, अगर हम इसे सिंपलीफाई करें तो ये 0-0 कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास रेशो आ जाएगा 15:6, 10:6, ठीक है। ये हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी भी आ गई है, चाहे हम इसे रेशो में डिफाइन कर ले, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि तीनों मिलकर अगर इस काम को करते हैं तो कितने टाइम में करते हैं, 10 डेज में। अगर तीनों की टोटल एफिशिएंसी पर डे की अगर मैं कहूं तो कितनी हो जाएगी, 15 + 10 + 6, तो कितनी हो गई, 10 + 15 = 25, 25 + 6 यानी 31। तो यहां से हम टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तीनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं, 10 डेज में करते हैं। इनकी पर डे की एफिशिएंसी कितनी है, 31 यूनिट है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ये बात क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ गया है, टोटल वर्क। अब हमसे पूछा गया है कि ए अकेले अगर वर्क का 150% कंप्लीट करे तो कितने टाइम ड्यूरेशन में करेगा, तो हमें ये टाइम निकालना है, ए की टाइम ड्यूरेशन कि ए उस वर्क के 150% को, वर्क हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 10 × 31, इसका 150%, तो 150% ले लेंगे, ठीक है, इसका 150% ले लेंगे। ये बात क्लियर है। ये कितने टाइम में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 15 यूनिट पर डे, ठीक है। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, आपके पास ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, अब आपके पास ये मल्टीप्लाई में है, 31 × 15, 15 से ये 15 कैंसिल, तो कितने डेज में, 31 डेज में क्या है, ए अकेले उस वर्क का 150% कंप्लीट कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इफिशिएंसी पे बेस्ड है, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए अकेले किसी वर्क का वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करता है,
30 डेज में, ठीक है। ही कंप्लीटेड 40% ऑफ द वर्क एंड लेफ्ट इट। वो वर्क का 40% कंप्लीट करता है और काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 21 डेज। बी क्या है, रिमेनिंग वर्क को 21 डेज में करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ए ने 40% वर्क किया था, तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना है, 60%। और 60% वर्क किसने कंप्लीट किया है, बी ने कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, देन इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी कंप्लीट 65% ऑफ द सेम वर्क टुगेदर। ए और बी मिलकर उस सेम वर्क का 65% कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या वैल्यू दी गई है, हमें दिया गया है कि ए अकेले उस वर्क को कितने टाइम में करता है, 30 डेज, ये हमें दिया गया है। फिर हमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि ए ने 40% वर्क कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना था, 60%, और 60% वर्क जो रिमेनिंग था वो किसने कंप्लीट किया है, बी ने, पर कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट किया है, 21 डेज में। अगर मैं बात करूं 60% वर्क कितने टाइम में, 21 डेज, तो 1% कितना हो जाएगा, 21/60 डेज में, ठीक है। तो हमें निकालना है टोटल वर्क, यानी 100% वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है, तो 21 × 100/60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से कैंसिल करेंगे इसे तो 2 और 3 से 7, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 5, कितने टाइम में, 35 डेज में। तो हमारे पास बी की टोटल टाइम ड्यूरेशन भी आ गई कि बी उसी सेम वर्क को कितने टाइम में करेगा, 35 डेज में करेगा, ठीक है। उसी सेम वर्क को 60% पार्ट तो उसका कितने टाइम में कर रहा था, अभी 21 डेज में। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको एक चीज, ये तो मैंने परसेंटेज के रिस्पेक्ट में बताया, इसी को अगर हमें बेसिक से समझना है तो देखिए हमने फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में समझा है, वो क्या है, देखिए बी और कितने टाइम में, 21 डेज में, 3 यूनिट के लिए 21 डेज, 1 यूनिट के लिए 6, जाहिर सी बात है 6 यूनिट अगर हम बात करें, 1 यूनिट कंप्लीट करने के लिए 6 डेज, तो 5 यूनिट कंप्लीट करने के लिए कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें, सॉरी 7 डेज, ठीक है। 1 यूनिट कंप्लीट करने के लिए कितने, 7 डेज, ठीक है। 3 × 7 = 21, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो आपके पास देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 3 यूनिट कंप्लीट करने के लिए 21 डेज का टाइम लगता है, तो 1 यूनिट के लिए कितना, 7 डेज, तो 5 यूनिट के लिए कितना, 35 डेज। हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ए और बी की टाइमिंग आ गई है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन आ गई है, वो कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। अब अगर हम बात करें तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं इसका एलसीएम लेके, टोटल वर्क एलसीएम लेंगे हमारे पास, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए हम फैक्टर में ब्रेक कर देते हैं, फैक्टर में ब्रेक करें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 × 5, एलसीएम लिया तो इसके फैक्टर अगर हम कहें 6 × 5 और 7 × 5, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 × 5 और 7 × 5, ठीक है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारे पास आ जाता है 6 × 7 × 5, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ए की एफिशिएंसी, ये इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके क्या आएगी, 6 × 7 = 42 × 5, तो कितना आ गया आपके पास, ये 210, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 210 यूनिट, ये हमारे पास क्या आया है, टोटल वर्क आ गया, ठीक है। टोटल वर्क की वैल्यू कितनी आ गई है, 210 यूनिट। अब अगर हम बात करें ए की एफिशिएंसी की, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 यूनिट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, बी की एफिशिएंसी आ गई, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए और बी मिलकर, ठीक है, उसी वर्क का 65% कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। टोटल वर्क है हमारे पास 210 यूनिट, ठीक है। ए और बी मिलकर काम को कर रहे हैं, तो हमसे वो टाइम पूछा गया,
ठीक है, टोटल वर्क कितना है 210 यूनिट, इसका 65%। ठीक है, ए और बी कितने टाइम में करेंगे, तो ए और बी की पर डे की एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो ए की 7 यूनिट और बी की 6 यूनिट, तो टोटल कितनी हो गई 13। ठीक है, इसे सिंपलीफाई कर देंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 13 से अगर हम इसे कैंसिल करें तो 5, 5 से इसे कैंसिल आउट करें तो ये 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 10.21 अपॉन में 2, यानी 10.5 डेज। कितने टाइम में करेंगे, 10.5 डेज में करेंगे। ठीक है, हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 30 डेज एंड बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए एंड सी इज 20% मोर इफिशियंट देन बी। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे को तीनों की इफिशियंसी डिस्क्राइब की गई है, तो हम सबसे पहले तीनों की इफिशियंसी ही फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन को देख के ये भी ऑब्जर्व करना है कि हमें क्या कैलकुलेशन सबसे पहले लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी ए बी सी। ठीक है, बी की बी इज 25% मोर इफिशिएंट देन ए। बी क्या है, 25% इफिशिएंट है किससे, बी ए से। बी की एफिशिएंसी क्या है, 25% मोर है किससे, ए से। तो ए की एफिशिएंसी हमने अगर 100 मानी तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 25% ज्यादा, 100 का 25 इज 25 तो 125। ठीक है, हमारे को फर्स्ट लाइन दी गई थी ए इज 25% मोर इफिशियंट देन ए। ठीक है, बी की जो इफिशियंसी थी वो ए से कितनी ज्यादा है, 25%। तो ए हमने 100 लिया तो बी कितना हो गया, 125। अब नेक्स्ट लाइन हमारे पास, सी इज इट 20% मोर इफिशियंट देन बी। सी की जो इफिशियंसी है वो 20% मोर है किससे, बी से। ठीक है, बी हमारे पास 120 है, 120 का 20% 1/5 भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली हम इसका 10% फाइंड करें तो कितना होगा, 12.5। 12.5 का डबल कर देंगे तो कितना आएगा, 25। 125 में 25 यूनिट ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो यहां से हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी का रेशो और तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। इसे सिंपलीफाई कर लेंगे तो रेशो आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 से ये 4, ये 5 एंड ये 6। तो हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया है, 4:5:6। अब हमें क्वेश्चन दिया है, अगर हम बात करें अब हमें फाइंड करना है ए क्या है, कितने टाइम में टोटल वर्क कंप्लीट कर देता है, 30 डेज में। यहां से हम ए की एफिशिएंसी कितनी अज्यूम कर लेते हैं, 4 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा 30 × 4, क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 पर डे यूनिट, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4, 30 डेज तक वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। ठीक है, ये तीनों मिलकर 3 डेज तक काम करते हैं, तो सबसे पहले हम देखें तो टोटल वर्क कितना आ गया, 120 यूनिट आ। ठीक है, तीनों कितने दिन तक काम करते हैं, 3 डेज तक, तो 3 डेज में ये कितना काम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 3 डेज के लिए। अगर मैं इनके पर डे की एफिशिएंसी कहूं तो 4+6+5 यानी 15 यूनिट, 15 × 3 यानी 45 यूनिट। 45 यूनिट इन्होंने वर्क किया है, कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें रिमेनिंग वर्क, 120 टोटल है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 120 − 45, 120 में से 40 डिडक्ट करते हैं तो 80 आता है, 5 और कर दीजिए तो कितना आएगा, 75। यानी रिमेनिंग वर्क अगर हम बात करें तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 75 यूनिट है। और ये किसे कंप्लीट करना है, बी को करना है। बी की इफिशियंसी पर डे की इफिशियंसी अगर हम बात करें तो कितनी है, और बी को कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम लगेगा बी को, टोटल रिमेनिंग वर्क कितना है, 75 यूनिट। बी की पर डे की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, 15 डेज। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में बी को कितना टाइम लगेगा, 15 डेज लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज के साथ।